नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। मेरा नाम है सौरभ देवनाथ। दोस्तों ये है वीडियो नंबर 32। ये है रीजनिंग का सीरीज जो टैगलाइन है 30 में से 30 आसानी से। आपको पता है रेलवे का पेपर होता है 100 नंबर का, जिसमें आते हैं 100 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। मेरा मकसद है आपको 30 में से पूरा का पूरा 30 मिल जाए। तो इसी हिसाब से मैंने रेलवे के ग्रुप डी के हिसाब से क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे फॉर्म किए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, ठीक है। तो चलिए, अच्छा वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात, वीडियो अगर पसंद आए तो क्या करना है आपको, लाइक करना है, और क्या करना है, शेयर करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का है। कमेंट्स आ रहे थे स्टेटमेंट कंक्लूजन का कराने के लिए। अच्छा, ये कराने से पहले ये देखिए, एग्जाम गुरु सुधीर पे जाइएगा टेलीग्राम के चैनल में, यहाँ हमारा चैनल है। अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपको इसके पीडीएफ्स मिल जाएंगे, ठीक है। जिन जिनको पीडीएफ चाहिए यहाँ जरूर जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सभी कार्ड क्या है, लेबल्स हैं। तो वेन डायग्राम से बनाता हूँ, ठीक है। सभी कार्ड, सपोज ये कार्ड है, सभी कार्ड क्या है, इसी के अंदर आ जाएगा क्या लेवल है। अब बोल रहा है कोई पोस्टर लेवल नहीं है, जो पोस्टर है कोई भी पोस्टर वो क्या है, लेवल नहीं है। इसका मतलब लेवल नहीं है तो कार्ड भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो इसी के अंदर है, समझ में आया। अब बोल रहा है पहला कंक्लूजन देखिए, बोल रहा है कोई कार्ड पोस्टर नहीं है, कोई कार्ड पोस्टर नहीं है, बिल्कुल सही। इसका मतलब कंक्लूजन वन इज करेक्ट। दूसरा देखते हैं, कुछ पोस्टर कार्ड है, कुछ पोस्टर जो है वो क्या है, कार्ड है, नहीं ये तो गलत है। क्यों, क्योंकि जब कोई यही नहीं है तो ये कार्ड कहां से हो पाएगा, समझ में आया। तो कंक्लूजन सेकंड इज रॉन्ग, इसका मतलब ऑप्शन, तो क्या बोल रहा है, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, सही है ऑप्शन नंबर ए, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है प्रॉप को हम लिखते हैं कितना, 67, रेट को लिखते हैं 46, तो मॉक को क्या लिखेंगे। अच्छा पहले प्रॉप देखता हूं होता क्या है, सम कितना होता है, पी मतलब कितना होता है, एम एन ओ पी है ना। तो 15 16 16 प्लस 18 है ना, 18 प्लस 15 प्लस 16, तो 32 32, और ये कितना आ गया 60, और ये आ गया कितना 65, ठीक है 67, इसका मतलब क्या हुआ, ये प्लस 2, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे रेट का देखता हूँ, रेट का जो है आर कितना था, 18 1 20 और 5, ये कितना आ गया, ये आपका आ गया ये 44 आ गया। तो यहां देखिए ये क्या आ गया, 44 प्लस 2, अच्छा इसका मतलब जितना सम आ रहा है प्लस 2 मुझे करना है। चलिए एम ओ सी करके देखते हैं, एम मतलब कितना, 13 15 3, और जे के मतलब 11, कितना हो गया, ये आपका हो गया कितना 42 है ना, और मुझे क्या करना है प्लस 2, इसका मतलब 44, आंसर अपना डी, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये गलत है, किन दोनों को क्या करना है, इंटरचेंज करना है, संकेतों को इंटरचेंज करना है, ठीक है, जिससे सही हो जाए। तो ध्यान से देखिए, ठीक है ध्यान से देखिए, पहला वाला क्या बोल रहा है, डिवाइड और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज करते हैं। देखते हैं 26 2 30 6 16, कितना आना चाहिए 20, तो बोल रहा है डिवाइड और मल्टीप्लाई को क्या करते हैं, इंटरचेंज। तो यहां तो माइनस है, यहां पे क्या हो जाएगा डिवाइड, यहां हो जाएगा क्या मल्टीप्लाई प्लस 16। पहला ऑप्शन देख रहा हूं है ना, पहला ऑप्शन देख रहा हूं, देखिए ये कितना हो जाएगा, सबसे बोर्ड मास ये माइनस 1 बटे 15, एक सेकेंड, ये आ जाएगा कितना -1/15 आ जाएगा ना, -1/15 × 6, अरे ये तो कुछ मतलब फ्रैक्शन में आ गया, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, समझ में आया, ये ऑप्शन नहीं होगा, इसका मतलब मुझे दूसरा और कुछ देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं और कुछ पुट करता हूँ, देखते हैं क्या होता है, सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, माइनस और प्लस, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे माइनस। चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसका डिवाइड का काम करूंगा, किस लिए, बॉड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्स्ट्रैक्शन। चलिए लगाते हैं, तो डिवीजन पहले, तो यहाँ हो गया 5 5 × 2, मतलब ये हो गया कितना 10, अच्छा यहाँ पे है 26 प्लस 10 माइनस 16, अरे जी हाँ ये तो जो है 20 आ गया,
कैसे समझ में आया? 20 आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है अगर 3 और 5 क्या है, 30 है, 6 और ये क्या है, ये 12 है। अच्छा, अब ध्यान दीजिए यहां पे भी एक और दिया गया है, 5 एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, ये सरप्राइज हो जाता है तब हम ये वाला साइन लगाते हैं ना, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। तो और ये जो है 80 है, तो देखिए कैसे ये बन रहा है। ध्यान दीजिए, अगर मैं ये जो दूसरा वाला नंबर है इसका मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, मतलब ये हो जाएगा 10, 10 इंटू 3 30। यहां देखिए इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो ये जगह 2, 2 इंटू 6 12। यहां पे अगर कर दूं 16, 16 इंटू 5 80। इसका मतलब यहां मैं अगर क्या कर दूं, मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 4, तो 2 इंटू 4 विच इज इक्वल टू व्हाट, 8। आंसर नंबर सी, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है आपका वेन डायग्राम का, ठीक है। चलिए देखें, बोल रहा है निम्नलिखित आंकड़ों में से आयात जो है वो कॉपर स्मिथ को दिखा रहा है। किसको? ये दिखा रहा है कॉपर, कॉपर स्मिथ, ठीक है। चलिए फिर बोल रहा है प्रतिनिधित्व करता है सर्कल बेकर्स का। किसका सर्कल जो है वो किसका? बेकर्स का, ठीक है। सर्कल किसका कर रहा है? बेकर्स का, ठीक है। और त्रिकोण जो है, त्रिकोण वो किसका कर रहा है? गैमर्स का। ये किसका कर रहा है? गैमर का, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है और वर्ग पिता का करता है, वर्ग पिता का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो है ये फादर का कर रहा है। किसका कर रहा है? ये फादर का कर रहा है। तो बोल रहा है अक्षर का कौन सा सेट जो है वो कॉपर स्मिथ का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब कॉपर स्मिथ का मतलब वो जो होगा वो इसमें आएगा, कॉपर स्मिथ का प्रतिनिधित्व करता है। ना तो गेमर है, ना ही बेकर्स है, ना ही बेकर्स और ना ही गेमर। इसका मतलब हो सकता है वो फादर हो सकता था, है ना, लेकिन फादर तो जुड़ा है नहीं है, तो मतलब ये कौन होगा? सिर्फ ए होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अगर ये इसके साथ जुड़ा हुआ रहता और यहां पे अगर सपोज यहां पे दिया रहता इसके साथ जुड़ के एस, तो हम ए और एस दोनों को लेते, समझ में आया, सपोज, है ना, लेकिन इसमें तो है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है सीरीज कंप्लीट करनी है, ठीक है, श्रृंखला को पूरा करें। चलिए एस टी यू वी, फिर क्या आएगा? डब्ल्यू आएगा। अच्छा, ए बी सी डी, बी सी डी, ठीक है, उसके बाद ई एफ जी, ठीक है, उसके बाद आई जे के, ठीक है, जी एच आई जे, ठीक है, उसके बाद जे हो गया, जे हो गया, के एल एम, मतलब यहां पे होगा एम। समझ में आया ये कैसे हुआ? फिर देखिए इसका इससे क्या हुआ, प्लस वाई जेड ए बी सी डी, पांच, ठीक है, डी के बाद ई एफ जी एच आई J K L M N O P Q R S, तो यहां पे आ गया S, W M S, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए यहां पर कितना रिड्यूस हुआ, -5, फिर कितना रिड्यूस हुआ, -6, फिर कितना रिड्यूस हुआ, -5, फिर कितना रिड्यूस होना चाहिए, -6, है ना, तो 24 देख लेते हैं। फिर क्या -5 करने के बाद आ जाएगा, -5 करने के बाद, जी हाँ बिल्कुल, क्या -6 से आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, इसका मतलब 24 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आप मुझसे बोल रहे थे कि ये वाले क्वेश्चंस देने के लिए ना, मिरर इमेज वाले, देखिए ध्यान से। बोल रहा है एमएन पर दर्पण रखा जाता है, ये दर्पण है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इस तरफ जो है, इस तरफ जो है वो कौन सा डायग्राम बनेगा। अब ध्यान दीजिए, ये इस तरफ ऐसा है, मतलब ऐसा कौन सा डायग्राम जो ऐसा ऊपर तरफ है, सबसे पहले ये ऐसा ही बनेगा, कौन से में, एक इसमें है और एक इसमें। उसके बाद देखिए ये जो है, ये सिंस इस तरफ है तो इसके किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, इसके इस तरफ एक ही है, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सेकंड, ये जो है, हाँ ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्राइम जो है, प्राइम को लिखा जाता है किसमें, वी एन के आई आर, माइक्रो को लिखा जाता है किस, माइक्रो को किसमें लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। पी आर आई एम ई, इसको किसमें लिखा जा रहा है, वी एन आर आई के। अब देखिए एक बात अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये और ये जो है ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये और ये जो है ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये और ये जो है एक दूसरे के अपोजिट है, ये और ये एक दूसरे के अपोजिट है, और ये और ये एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, उल्टे हैं, किसमें, वर्णमाला में, ठीक है। तो माइक्रो, एम आई सी आर ओ, माइक्रो का उल्टा, एम का उल्टा एन। अब देखिए आखिरी में एन किसमें है, एन तो एक ही में है, ठीक है, और इसमें एक है, है ना। चलिए अच्छा, आई का उल्टा क्या है, आई 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 का उल्टा क्या है, आई होता है कितना, 9, राइट, और एम एन ओ पी क्यू आर,
आर एस, ये होता है आर, मतलब इसके यहां पे क्या आएगा, यहां पे आ जाएगा आपका आर। समझ में आया किसमें है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है। समझ में आया, तो क्या हो जाएगा एल आई एक्स आर इन, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, क्या करना है, शब्दकोश के हिसाब से जमाना है। मैंने बताया था जो सेम हो उनको क्या करना है, काट देना है। चलिए काट दिया। अब देखिए यहाँ यू है, ओ है, आई है, आई और यहाँ यू है, इसका मतलब तीन और चार में से कोई एक पहले होगा। देखिए यहाँ एम और एम है, अब यहाँ ए आ गया, इसका मतलब पहले तीन होगा उसके बाद पांच होगा। तो तीन और पांच कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। इतना जल्दी जल्दी लगाना है, पूरा थोड़ी ना करना है। समझ में आएगा कैसे एलिमिनेट कर रहे हैं। चलिए अब देखिए ये बोल रहा है ऑड वन आउट है ना, जो अजीब सा है उसको क्या बाहर निकालते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से इसको, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये क्या है, जंबल वर्ड्स में है ना, इसको रीअरेंज भी करना है। ठीक है, सबसे पहले अनुक्रम अनुक्रम में है, उसको क्या अनुक्रमित मतलब में करना है। ठीक है, क्रम वाइज करना है। चलिए ये देखिए, अगर इसको आप ध्यान से देंगे तो पता चल जाएगा क्या है, ये मार्स है, मार्स क्या प्लानेट है। अच्छा सी नंबर देखिए, पता चल जाएगा वी ई एन यू एस, वीनस है। और ये देखेंगे तो पता चल जाएगा जे यू पी आई टी ई, जे यू पी आई टी, ये टी है, ई आर, जुपिटर है। ठीक है, वीनस है। और ये आप देखेंगे तो ये क्या है, सी ओ एम ई टी, कॉमेट है। अरे यार ये आई आ गया, एक सेकेंड। ठीक है, ये क्या है, ये कॉमेट है। ठीक है, ये प्लानेट है, ये प्लानेट है, ये प्लानेट है, क्या ये प्लानेट है, नहीं, इसका मतलब अलग कौन सा है, क्वेश्चन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है सीरीज को कंप्लीट करना है, आई ठीक है, उसके ई, उसके बाद आई, उसके बाद एम। तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, ई होता है पांच, आई होता है नौ, प्लस चार, प्लस चार, एम कितना होता है तीन, तेरह, तो प्लस चार मतलब यहां पे सत्रह, सत्रह कौन होता है क्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, मैथ्स में भी करते हैं, रीजनिंग में भी करते हैं। ध्यान से देखिएगा, दिमाग कैसे लगाना है, आर और एस का रेशियो क्या है, थ्री टू टू है। चलिए बहुत बढ़िया, आर और एस का रेशियो क्या, परसेंटेज, ठीक है हिंदी में पढ़ते हैं, अनुपात में है। यदि एच की वर्तमान आयु 117 है, एच की वर्तमान आयु कितनी है 117 है, और आर की वर्तमान आयु एच की वर्तमान आयु से 4/13 है, मतलब 4/13 अगर मैं कर दिया, ये किसकी एज निकल के आ जाएगी, ये आर की निकल के आ जाएगी। समझ में आया, तो देख लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 9, 4, 9, 36, मतलब आर की अभी प्रेजेंट कितनी है 36 है, मतलब ये जो है ये कितनी है 36 है, तो ये कितनी हो जाएगी 12 गुनी है ये, तो है ना, तो ये कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। चलिए इतना समझ में आ गया। बोल रहा है आर और एस की आयु कितने वर्ष बाद 15:11 हो जाएगी, 15:11 हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए यहां पे कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। अच्छा कितना भी वर्ष आगे बढ़े और पीछे बढ़े, उनका तो एज जो बीच का डिफरेंस होता है, अंतर होता है, वो तो हमेशा सेम होता है। यहाँ पे एक का अंतर है, यहाँ 4 का, मतलब अगर मैं इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखिएगा यहाँ लिखता हूं तो 3 × 4 = 12, और ये हो गया 8, और ये हो गया 15, और ये हो गया क्या 11, और इसी की वैल्यू है 36, और इसी की वैल्यू है क्या 24, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 3। समझ में आया। अब देखिए इनके बीच में डिफरेंस 4 का है, इनके बीच में भी डिफरेंस 4 का, डिफरेंस डिफरेंस सेम हो गया। अब देखिए 8 से 13 हो रहा है, मतलब ये जो है क्या, और यहाँ पे 12 से 13 हो रहा है, मतलब 3 बढ़ रहा है, इसका मतलब यही तो मांग रहा था। तो अगर एक की वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 3 हो जाएगी 9, 9 ईयर। समझ में आ गया, कितने अच्छे तरीके से कर दिया, एक सवाल लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं आया समझ में फिर से एक बार देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वो वाला ऑप्शन चुनो इनमें से जो क्या है, कैन नॉट, जो नहीं बन सकता है। देख लेते हैं, पहला ऑप्शन आर है, ई है, पी है, ए है, अरे ए तो है ही नहीं इसमें, इसका मतलब ये नहीं बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एफ यू एम आई सी को लिखा जाता है 6, 21, 13, 9, 3, अरे ये तो क्या है, एफ की वैल्यू तो होती है 6, प्लेस वैल्यू यू की होती है 21, एम की होती है 13, और I की होती है 9, C की वैल्यू है 3, इसका मतलब ये तो प्लेस वैल्यू लिखी हुई, क्या ये भी है, देख लेते हैं। S मतलब 19 बिल्कुल है, T मतलब 20 बिल्कुल है, E मतलब 5 बिल्कुल है, A मतलब 1 बिल्कुल है, E मतलब, इसका मतलब इसकी मुझे प्लेसेस वैल्यू लिखनी है, इसका मतलब अच्छा P मतलब होता है 16, R मतलब होता है 18, ओ मतलब होता है 15, और ये हो जाएगा 16, तो 16, 18, 15, 16 किसमें, 16, 18, 15, 16, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन से, अच्छा
ये देखिए, मल्टीप्लाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस को, डिवीजन किसको कर रहा है, मल्टीप्लाई को, माइनस किसको कर रहा है, डिवाइड को, और प्लस किसको कर रहा है, माइनस को, तो बोल रहा है इसका आंसर निकालें। चलिए यहां लिखता हूं 20 डिवाइडेड बाई 12, 30 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 10। तो सबसे पहले देख लेते हैं, अब मैं इरेज करना चालू करूंगा, तो डिवाइड था, डिवाइड किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, यहां क्या लिखा हुआ था, डिवाइड 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 स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, तो यहां क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, पहले वाले में मल्टीप्लाई होगा, तो लगा देते हैं मल्टीप्लाई। चलिए अच्छा, माइनस, माइनस के जगह पे क्या होगा, ध्यान दीजिए, माइनस के जगह पे माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस रिप्रेजेंट डिवाइडेड बाई, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा क्या, डिवाइडेड बाई, ठीक है। प्लस, प्लस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस जो है रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस को, ठीक है, तो प्लस जिस जब माइनस को कर रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। चलिए और जो है मल्टीप्लाई किसको डिनोट कर रहा है, प्लस को डिनोट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये आ गया बन के। अब इसको करना है, बॉर्ड मास का यूज कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 20 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 30, माइनस 10, और ये तो ये कट गया। चलिए अब इधर के जीरो गया, ये गया, तो ये गया 4, तो 4 इंटू 2 8, ऑप्शन नंबर ए बन गया, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बोल रहा है कौन से दो जो है साइन को इंटरचेंज करना पड़ेगा जिससे इस इक्वेशन की वैल्यू आ जाए 13, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करिए, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी करिए, पहले मैं ऑप्शन नंबर बी करता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो बोल रहा है प्लस की जगह डिवाइड कर दो, प्लस और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज कर दो, तो लिखते हैं 32 डिवाइडेड बाई 16, अच्छा माइनस 5, और यहां पे क्या करना था, प्लस करना था मल्टीप्लाई की जगह पे, तो 8, और प्लस की जगह पे करना मल्टीप्लाई बाई 2। अब देख लेते हैं क्या ये होता, जी हाँ, ये तो हो गया 2, और यहां क्या हो गया 5, और यहां हो गया क्या, यहां हो गया 16, अच्छा तो ये क्या हो गया 18, 18 माइनस 5 13, बिल्कुल आ गया 13, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिए ये जो है इसकी वैल्यू 11 है, ये एक इसकी वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू 8 है, तो पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या है, ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको क्या करूं, डिवाइडेड बाय 2 कर दूं, और इसको मैं डिवाइडेड बाय 2 कर दूं, इनको जोड़ दूं, तो क्या आ गया, 11 आ गया, इसको मैं डिवाइडेड बाय 2 कर दूं, इसको मैं डिवाइडेड बाय 2 कर दूं, जोड़ दूं, तो ये क्या आ गया, ये आ गया, इसको भी सेम, तो इसको भी मैं वही करूं, डिवाइडेड बाय 2 कर दूं, और इसको भी डिवाइडेड बाय 2 कर दूं, तो 5 और 9 कितना होता है, 14, ऑप्शन नंबर डी, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं एक ट्रिक से दिखाता हूं, देखिए एम के, यहां पे भी एम के है, इसका मतलब यहां एक मतलब वो है गैप है, और यहां एक गैप है, तो पी के यहां एम के पहले क्या आना चाहिए था, यहां देखिए एम के पहले पी है, तो यहां पे पी है। अब देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें पीछे से दूसरे नंबर पे पी है, पीछे से दूसरे नंबर पे पी सिर्फ एक ही में है, तो यही हो गया। अब इसको मैं लिख देता हूं, तो देखिए तो यहां पे आ जाएगा क्या ओ, यहां पे आ जाएगा क्या के, यहां पे आ जाएगा पी, यहां आ जाएगा ओ, यहां पी आ गया, यहां के, तो यहां देखिए एम के ओ पी, एम के ओ पी, एम के ओ पी, एम के ओ पी, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक बूढ़े आदमी का केस है, बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है, दैनिक चलने की दिनचर्या शुरू करता है, वह 2 किलोमीटर पूर्व चलता है, सपोज यहां था तो कहां चलता है, 2 किलोमीटर पूर्व चला गया, चलिए चला दिया इसको, यहां पहुंच गया, बोलता है वो उत्तर में बदल जाता है और 1 किलोमीटर चलता है, चलिए उत्तर में क्या 1 किलोमीटर चला दिया, चलिए 1 किलोमीटर चल गए, ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, पश्चिम में बदल जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, अच्छा अब यहां से 2 किलोमीटर, तो वापस हम इसी जगह में आ गए 2 किलोमीटर चल के, अब वो बोल रहा है और अपनी दाहिनी ओर जाता है और 1.5 किलोमीटर जाता है, तो यहां से 1.5 किलोमीटर और चला गया वो, चलिए तो अब वो शुरुआती स्थिति में, शुरुआती स्थिति संबंध में कहां है, तो ये जो है ये 1 है और ये 1.5 है, तो शुरुआत से कहां पहुंच गया, ये 2.5 किलोमीटर कहां चला गया, नॉर्थ में चला गया, तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए आज का ये होमवर्क का क्वेश्चन है, तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और जो है आपको आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा, ठीक है। अच्छा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाँ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और क्या इसका पीडीएफ जो है एग्जाम गुरु सुधीर में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के चैनल में, ठीक है। चलिए इसी के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।